नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंटर में नामांकन कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है सभी कॉलेज का कॉलेज लिस्ट यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट खाली, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना कितना सीट यहाँ पर खाली है। क्योंकि जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली रहेगा उसी कॉलेज में चांसेस रहता है एडमिशन होने का। तो लिस्ट किस तरीके से आप यहाँ पर निकाल करके देखेंगे पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर हम आपको पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहे हैं और ये आज ही का न्यूज़पेपर कटिंग है। यहाँ पर एक अपडेट आया है कि 11वीं में एडमिशन को लिस्ट जारी, इस टाइप से यहाँ पर जो एक लिस्ट को जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि बिहार के सभी प्लस टू स्कूल के साथ यहाँ पर कॉलेजों का 11वीं में एडमिशन यहाँ पर ऑनलाइन फेस्टिवल सिस्टम से लिया जाएगा। यानी कि OFS के वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि कौन से कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेंगे। यानी कि लिस्ट जारी कर दिया गया, आप यहाँ पर लिस्ट में अपना देख लें कि किस कॉलेज में आप यहाँ पर नामांकन लेंगे, उसी कॉलेज को आपको चुनना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। ऑनलाइन अप्लाई जो होगा वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर होगा, OFSSBihar.gov.in पर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहीं पर आप जो है अपना लिस्ट भी देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे कि जारी किया गया, यहाँ पर बताया गया है कि अपलोड किया गया, यानी किसी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिनके संबंध में यदि किसी संस्थान से कोई भी आपत्ति हो तो वो 9 से 13 जून शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति ईमेल के द्वारा भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। बिहार के 3,564 प्लस टू स्कूलों और कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पर जो है सीटों की संख्या वेबसाइट पर यहाँ पर जो है मौजूद है। तो यहाँ पर जितना भी कॉलेज यहाँ पर बिहार में सभी कॉलेज का एक लिस्ट बनाकर इनकी साइट पर यहां पर जो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए सीधे आपको बताते हैं कि आप यहां पर सभी कॉलेज का कॉलेज लिस्ट आप यहां पर किस तरीके से देखेंगे। सभी कॉलेज का कॉलेज लिस्ट देखने के लिए कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है, उनके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा। यहां पर देख पा रहे कि कॉलेज वाइज सभी के यहां पर जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। एकेडमिक ईयर में आपको क्या करना है, 2020-21 आपको सिलेक्टेड रहने देना है। यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। आप जिस जिला में रहते हैं या फिर जिस जिला में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंटर में, आपको वो वाला जिला यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको उस वाले डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उनके बाद यहां पर देखिए BSEB कोड देखने को मिलता है, अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं तो ये वाला ऑप्शन आप यहां पर छोड़ देंगे। उनके बाद डायरेक्टली यहां पर शो वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर पेज लोडिंग लेगा और यहां पर देखिए उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहां पर स्कूल कॉलेज होंगे सभी यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उनके बाद यहां पर देखिए आ चुका है किस टाइप का कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है या फिर बॉयज वाला, सब देखने को मिल जाएगा। स्ट्रीम यहां पर देखिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर देखिए इस कॉलेज में यहां पर देखिए आर्ट्स के लिए इतना सीट खाली है, साइंस के लिए इतना सीट खाली है। इस तरीके से आप यहां पर निकाल करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है। जिस कॉलेज में ज्यादा सीट खाली होगा तो ज्यादा चांसेस रहता है आपका एडमिशन होने का, वो बात अलग है कि आपका यहां पर मार्क्स भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप यहां पर लिस्ट निकाल करके देख सकते हैं। अगर आपको पहले में आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आप यहां पर दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से यहां पर तीसरे पेज पर भी आप यहां पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर पेज बदल बदल के आप यहां पर जो है देख सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं इस पेज को यहां पर डाउनलोड करूं, यानी कि कॉलेज लिस्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर देखिए एरो वाला बटन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उनके बाद नीचे आएंगे यहां पर देखिए शेयर का ऑप्शन मिलता है, इस शेयर वाले ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। उनके बाद यहां पर देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज यहां पर आपके सामने प्रीव्यू होगा और आप यहां पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो आप यहां पर प्रिंट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहां पर कॉलेज लिस्ट निकाल करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेक भी कर लेंगे कि आप यहां पर किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों को अपडेट देना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।